ईरान में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रविवार को एक के बाद एक कई रॉकेट हमले होने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि रॉकेट ने यूएस आर्मी बेस और इरबिल में एक न्यूज चैनल के ऑफिस को निशाना बनाया है। जानकारी तो ये भी है कि कम से कम 5 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने रविवार को शहर पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि जानकारी के मुताबिक फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है कि मिसाइलों का टारगेट साइट पर मौजूद अमेरिकी वाणिज्य दूतावास था या शहर का हवाई अड्डा। फिलहाल खबर ये सामने आ रही है कि इरबिल ब्लास्ट के बाद लोग हताहत हुए हैं। बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस हमले में कोई भी सैनिक हताहत नहीं हुआ है। इस हमले के बारे में अधिक जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर शेयर किए गए कुछ वीडियोस में दावा किया गया है कि ईरान की तरफ से इरबिल में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। अमेरिकी बेस पर लगातार हो रहे हमले। ईरानी शिया मुस्लिम मौलवी मुक्तदा अल सदर ने ट्वीट पर कहा, इरबिल में आग लगी हुई है, जैसे कुर्द इराकी है ही नहीं। इससे पहले इरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद अमेरिकी बेस पर सितंबर में अमेरिका पर 9/11 हमलों की 20वीं बरसी पर भी रॉकेट दागे गए थे। पिछले कुछ सालों में इरबिल एयरपोर्ट पर कई बार हमले हो चुके हैं। ज्यादातर हमलों में विस्फोटकों से लैस ड्रोन इस्तेमाल किया गया। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे अमेरिकी सैनिक। अमेरिकी अधिकारी इन हमलों के लिए ईरान गठबंधन शिया मुस्लिम मिलिशिया को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, जिन्होंने बचे हुए 2500 अमेरिकी सैनिकों के देश छोड़ने तक लड़ने की कसम खाई है। अमेरिकी सेना एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। इसका उद्देश्य ईरानी बलों को सूत्री चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने में मदद करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।